पुलिस कस्टडी में। जिस प्रकार से आज अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई है, ये निराशाजनक है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज इन दोनों की जो हत्या हुई है, तो इन लोगों के लंबे आपराधिक जीवन में जिस प्रकार से इन लोगों ने न जाने कितनों के साथ अनाचार किया होगा, कितनों के साथ में इन्होंने अत्याचार किया होगा, कितनों की हत्या की होगी, कितनों से अपहरण किया होगा, कितनों से फिरौती वसूली होगी, कितनों को अपमानित किया होगा, तो ये बहुत बड़ा विषय है कि इनमें से कौन किस बात को लेकर, जब इनका आज आतंक का साम्राज्य चरमरा गया है, तो आज आकर इन प्रकार इनके ऊपर इस प्रकार का हमला कर दिया। तो हमला तो खैर पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल के ऊपर भी हुआ था, आज इनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन खैर जिन्होंने भी हमला किया वो पकड़ गए हैं। जांच का विषय है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से आज अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई है, ये निराशाजनक है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज इन दोनों की जो हत्या हुई है, तो इन लोगों के लंबे आपराधिक जीवन में जिस प्रकार से इन लोगों ने न जाने कितनों के साथ अनाचार किया होगा, कितनों के साथ में इन्होंने अत्याचार किया होगा, कितनों की हत्या की होगी, कितनों से अपहरण किया होगा, कितनों से फिरौती वसूली होगी, कितनों को अपमानित किया होगा, तो ये बहुत बड़ा विषय है कि इनमें से कौन किस बात को लेकर, जब इनका आज आतंक का साम्राज्य चरमरा गया है, तो आज आकर इन प्रकार इनके ऊपर इस प्रकार का हमला कर दिया। तो हमला तो खैर पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल के ऊपर भी हुआ था, आज इनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन खैर जिन्होंने भी हमला किया वो पकड़ गए हैं। जांच का विषय है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई किसी आने पे, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया, उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें तीन लोगों को भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है, तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एकदम भागे दौड़े हैं, तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मानसिक हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके नीचे क्रॉस की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे, मीडिया के समस्त कर्मी इन लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है, तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? सर फायरिंग कितने राउंड हुई है? मैं जितना आपको डिस्कस कर सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। नाम बता दीजिए। अभी मैं उनसे, लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जा रहा है।